फिल्म के प्रमोशन के लिए गाना बनाया है जो आलम ने लिखा है और हम सब ने उस पर परफॉर्म किया है, ये सब तक पहुँचे यही दुआ है। आप सबसे निवेदन है कि जितना इसे आप फैला सकते हैं, आप सबसे बड़ा माध्यम है। आज बड़े से बड़ा आदमी बिना मीडिया के कुछ नहीं है। मीडिया जिसके पास में है, जिसके पास है मीडिया, वो है हार्ट ऑफ इंडिया। तो मैं समझता हूँ, हाँ इंडिया, हाँ भारत। एनीवे तो मैं चाहता हूँ कि ये सब काम हो। तो अब शाहरुख, मैं इसको प्यार से शाहरुख कहता हूँ। शाहरुख आलम कहो कुछ, क्या कहना चाहते शाहरुख भाई का? तो मैं फैन रहा हूँ बचपन से ही, और उनकी फिल्में मानी खान वगैरह आई थी तो उसके ज़्यादातर कॉस्ट्यूम वगैरह मैंने किए थे, और फिर जब तक जान मूवी आई थी उसके भी कॉस्ट्यूम किए थे, और धर्मा प्रोडक्शन में मैं काफ़ी टाइम से कॉस्ट्यूम कंटिन्यू कर ही रहा था, और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर जैसे सबीना खान थी उनके साथ कर रहा था, संजय दत्त, सैफ अली खान, अमिताभ बच्चन साहब और इमरान हाशमी, शाहरुख खान साहब, अक्षय कुमार, शाहिद कपूर, मतलब जितने भी बॉलीवुड के सब कह के मेरे यहाँ कॉस्ट्यूम बनते थे, स्टिच होते थे, और मैं शाहरुख भाई का फैन था ही। तो पहले बिल जाती थी मेरे नाम से, जो मेरा नाम था उस नाम से बिल जाती थी। फिर जब मैंने शॉप किया तो शॉप का नाम रखा एस मन्नत फैशन, क्योंकि शाहरुख खान के बंगले का नाम है मन्नत और एस से शाहरुख आता है, तो एस मन्नत फैशन रखा, और मालिक ने उसमें भी कामयाबी दी। आज अच्छे से इस्टेब्लिश हूँ, चल रहा मेरा शोरूम, और सभी कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मेरे पास आते हैं, शाहरुख के डिज़ाइनर, संजय दत्त के, जितने भी डिज़ाइनर सब मुझे बाई फेस बाई नेम जानते हैं, और सब के साथ मैं जुड़ा रहा हूँ, काम करता रहा हूँ। और ये गाना मेरे दिमाग में ऐसा आया, मैं घर में लेटा था, लेट के देख रहा था जवान का प्रोमो आया, तो अचानक क्लिक किया, मैं कहा अब शाहरुख भाई को किस तरीके से जो है इसका प्रमोशन किया जाए। और शाहरुख भाई तो देश विदेश में हर जगह प्रमोशन कर रहे हैं, छोटी से लेके बड़ी जगह तक, बिस्लेरी की बोतल तक में उनका प्रमोशन है जवान का। मैं कल खाना खा रहा था बाहर होटल में, तो देखा बिस्लेरी की बोतल में जवान का पोस्टर लगा है। अब शाहरुख भाई दिन रात इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, ना सो रहे हैं ना जाग रहे हैं, तो वही एक आइडिया आया, दिमाग आई कि इसको एक अच्छा सा गाना जो है कोशिश करते हैं लिखने की, और लिखा, सुनाया भाई को, पसंद आया, फिर कमाल को सुनाया, पसंद आया, तो हम बोले इसको शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ये शूटिंग फास्ट हुई, रिकॉर्डिंग हुई, सब अच्छे से हो गया, और अब आप लोगों के सामने ये जवान है, अब आप लोग इसको और भी जवान कर दीजिए। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और ये जो जवान, जैसे कि कल ये आलम भाई बता रहे थे कि 125 करोड़ की पहले से पहले ही बुकिंग हो चुकी है, और ये जो आइडिया है आलम भाई का, माशाल्लाह बड़ा प्यारा आइडिया है, और हम सबको ये सुनील पाल जी ने तो ये गाना गा भी दिया क्योंकि इन्हें इतना पसंद आया। एक्चुअली यार इन्होंने बोला कि आलम ये गाना मैं गाऊंगा, तो आलम भाई बोले ठीक है आप गा दो, क्योंकि मुझे तो किसी ना किसी को गवाना है, तो ये वैसे भी मेरे गुरु ही हैं ना, और इन्होंने ये गाना गाया और बहुत अच्छे तरीके से गाया, और माशाल्लाह आप सबको खूब पसंद आ रहा है, खूब अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा गाना है, हम सब ने बहुत दिल जान से काम किया है, खास करके सुनील पाल जी, आलम जी ने तो इसकी राइटिंग से लेके सारी चीज़ें अभी तक सारा दारोमदार इनके ऊपर ही था, माशाल्लाह बहुत अच्छे से ये गाना बना है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप सब देश दुनिया के जहाँ तक भी लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सब जवान फिल्म को भी, और जवान के साथ साथ एक नए जवान जो गाना है जो हमारे आलम भाई ने लिखा है, उसको भी आप सब खूब सारा प्यार दें, दुआएं दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम हर बार इसी तरह से एक अच्छा अच्छा काम आपके सामने लाते रहें। भाई ये जवान एल्बम जो रिलीज़ हो रहा है, और उसमें ये तीनों जवान है, तीन है। एक हमारे ये जो है जवान है, जवान थे, जवान रहेंगे, और ये जो है आलम भाई, ये इतने लोगों को कपड़े पहना पहना के बुड्ढों को भी जवान करते हैं। वाह, और कौन है इसमें बाहर समोसे खा रहे हैं? कमाल खान, कमाल, कमाल खान, ताहिर कमाल, कहाँ है? हाँ, और हमारे कमाल भाई है, ये भी जवान है, ये तो फेसबुक में छाए हुए हैं, मीडिया में इतने छाए हुए हैं कि क्या बात है। सर आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ हाँ, मैं यही कहूँगा कि आलम भाई की जो मोहब्बत है शाहरुख भाई के लिए, वो मतलब बेमिसाल है, दिल से बकायदा प्यार करते हैं आलम भाई, और आलम भाई ने जो ये गाना भी बनाया है, ये हर किसी के बस की बात नहीं होती,
ये मोहब्बत है और आलम भाई ने इतना अच्छा गाना बना दिया क्योंकि ये मोहब्बत है, और इतने अच्छे से आलम भाई शूट भी किया, बहुत अच्छा लगा, और शाहरुख भाई तक भी पहुंच गया है गाना, तो डेफिनेटली उनको भी बहुत पसंद आएगा। तो इसी तरह से यूनिक और मोहब्बत भरी चीज़ें लेकर आते रहिए, और इंशाल्लाह ये बहुत ग्रो करेगा जो चैनल है आपका जिसमें आपने डाला है, तो ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी ग्रो करेगा, और इसी तरह से एंटरटेन करते रहिए, दिल से काम करते रहिए, सबसे अच्छी बात आलम भाई दिल से काम करते हैं। सर ये तो सही मौके पे सही चीज़ आलम भाई ने लेकर आए हैं, और वो भी धुरंधर लोगों के साथ, आपने सुनील भाई बहुत ज़बरदस्त, मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में मिमिक्री सबने शाहरुख भाई इनसे ही सीखी है, शाहरुख खान की सबने मिमिक्री सीखी है तो इनसे सीखी है, मेरे सामने तो कईयों ने सीखी है, मैं 96 से सर को जानता हूँ, उसके पहले से तो, और अभी जवान जो है मूवी जो है वो तो 100% वो तो धूम मचाने वाली है। और दोस्तों मन्नत फैशन ये एक ऐसा शोरूम है जिसके ओनर हैं हमारे आलम साहब, और हम सब इनके भाई बंधु हैं, सुनील भाई भी पहले से जुड़े हैं साथ में, और इन ये शाहरुख खान के बहुत बड़े फ़ैन हैं, डेडिकेट टू SRK, मतलब ये इन्होंने जो किया है डेडिकेट किया है SRK को, उनकी तारीफ करके, मतलब इस गाने से जवान फिल्म की और हौसला अफजाई हुई, और हमारे क्या बोलना चाहिए आलम साहब बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं और मिमिक्री भी करते हैं, और शाहरुख खान के सबसे बड़े फ़ैन हैं, और ये गाना देख करके मुझे इतना अच्छा लगा, खासतौर से सुनील भाई, इनको तो मैं देखता हूँ जानता हूँ अंदर की बात है, लेकिन बाहर की बात ये है कि आज आपको मैंने डांस करते हुए देखा और इतना अच्छा आपने, और आपके स्लिम ट्रिम हो इस वजह से और भी अच्छे लगे, कमाल खान भी हमारे बहुत अच्छे स्मार्ट लगे हैं, और उसके साथ में हमारे आलम साहब भी बहुत स्मार्ट लगे हैं इसमें, और क्या कहूँ, ये गाना देख करके वंस मोर हो गए, मतलब समझ लो हिट है, हिट है तो मतलब फिट है, तो बस इतना ही कहूँगा कि जो कुछ हमने देखा है, आप लोगों ने देखा है, तालियां मिली है, वंस मोर हो गया है, इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ है कि ये गाना सुपर डुपर हिट है, थैंक यू। और ऐसा लगा कि जोश और बढ़ गया है, मज़ा आया, मतलब ऐसे कट टू कट काम हो रहे थे कि मतलब मुझे लग रहा था कि मैं कुछ अपने अंदर ऐसा डाल दिया है कि एक्सपीरियंस हो ही जा रहा है, तो अच्छा लग रहा था बहुत। मुझे तो मज़ा आया बहुत, शूट करके तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया था उस टाइम पे, और सर के साथ तो ऑफकोर्स मैं इनसे कई बार मिल चुकी हूँ, बट मैं इनको याद नहीं रहती दोबारा मुझे बहुत मज़ा आया काम करने में, जो जवान मूवी के लिए शूट करने के लिए हम गए थे तो हमको आइडिया भी नहीं था कि हाँ हम किस चीज़ के लिए शूट करने जा रहे हैं, बट जब सॉन्ग सुने हम लोग तो हम लोग खुद ही डांस कर रहे हैं कि हाँ वाह जवान है मूवी, तो बहुत मज़ा आ रहा था, और सर के साथ में भी बहुत अच्छा लगा शूट करके। अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्कार सभी लोगों को, मेरा नाम शबनम अंसारी है, और ये जो हमने शूट किया है शाहरुख खान को ट्रिब्यूट किया है हम लोगों ने, तो ये सॉन्ग मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उनका जो मूवी आ रही है उनको प्रमोट करने के लिए हमने ये किया है, और इसमें हमें मौका मिला, हमने हमारे आलम जी ने, सुनील पाल जी ने और कमाल जी ने, इन्होंने मुझे मौका दिया इसमें काम करने के लिए, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ।